इस वीडियो में हम लोग 2023 में आए बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि इलेक्ट्रोस्टैट्स यूनिट का है। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन एक 3 मार्कर है, 3 मार्क का क्वेश्चन है ये। इसमें 2 पार्ट्स हैं, आप दोनों में से कोई एक पार्ट कर सकते हैं। बहरहाल हम दोनों ही पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज उदित गुप्ता, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट क्या बोल रहा है, टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ वायर। दो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, दोनों को वायर से हमने कनेक्ट कर दिया। दोनों का जो रेडियस है वो डिफरेंट है, एक का ए है तो दूसरे का बी है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट देयर सर्फेस। हमें उनके सर्फेस पर प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या उनसे उनके सर्फेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है उसको हमें क्या करना है, उनका रेशियो निकालना। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि दो आपके कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं। मान लेते दो हमारी ये कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, एक का रेडियस ए है और दूसरे का रेडियस बी है, ठीक है। हमने इन दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया। अब देखिए होगा क्या, इस केस में दोनों चार्ज कंडक्टर्स थे, तो दोनों चार्ज कंडक्टर्स थे तो दोनों के सर्फेस पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो हो सकता है किसी का पोटेंशियल ज्यादा रहा हो, किसी का पोटेंशियल कम रहा हो। मान लेते हैं ए का पोटेंशियल ज्यादा था और बी का पोटेंशियल कम था, तो यहां पर अब क्या होगा, जैसे ही वायर से हम कनेक्ट कर देंगे तो ए से जो चार्जेस हैं वो बी तक फ्लो करेंगे और तब तक फ्लो करेंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस आपने पढ़ा होगा चैप्टर 2 में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जो हमारा चैप्टर है, उसमें जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है उसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है। तो मान लेते हैं चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया और पोटेंशियल बराबर होकर के वी हो गया। मान लेते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद इसका जो चार्ज है, इस पर जो चार्ज है वो Q1 हो गया और इस पर जो चार्ज है वो Q2 हो गया। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्जेस जो हो गए वो चेंज हो गए, ठीक है। अब क्या होगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा इनका, हो जाएगा के Q1 अपॉन ए, इसका पोटेंशियल हो जाएगा, और इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के Q2 अपॉन बी। दोनों का पोटेंशियल सेम होगा ना, क्योंकि चार्जेस तभी तक फ्लो करेंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता है। अब क्या होगा, अब यहां पर अगर आप दोनों का पोटेंशियल सेम है, इन दोनों को आप इक्वेट करते हो, जब आप दोनों को इक्वेट करोगे तो आपको एक रिलेशन मिलेगा चार्जेस का। वो रिलेशन क्या होगा देखते हैं। देखिए के दोनों साइड है, के क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। के आप क्या कर दोगे, कैंसिल आउट कर दोगे, तो Q1 विल बी इक्वल्स टू ए बाई बी टाइम्स ऑफ Q2। ये रिलेशन मिला चार्जेस का, ठीक है। अब इसी चार्जेस के रिलेशन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालने वाले। अच्छा, अगर इस पर चार्ज Q1 है तो, और इस स्फीयर का रेडियस ए है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी हमारे पहले स्फीयर की, तो वो होगी के Q1 स्क्वायर अपॉन ए, सॉरी के Q1 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, दूसरे स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के Q2 अपॉन बी स्क्वायर। रेशियो कैसे निकालते हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बीच में जो डिवीजन उसको हटाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, तो मल्टीप्लाई लगाते ही नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन की तरफ जाएंगे तो वो जो नीचे वाला डिवीजन है आपका क्या होगा, वो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको आपका फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब यहां पर हमें Q1 और Q2 का रेशियो पता है, Q1 की जगह रखते हैं a अपॉन b टाइम्स ऑफ Q2, a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर अपॉन Q2 स्क्वायर। क्या होगा, Q2 से Q2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, एक ए से एक ए कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बी से ये वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, 1 अपॉन ए इंटू बी अपॉन 1, यानी बी अपॉन ए। तो यहां पर आप देख सकते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकल के आया वो क्या निकल करके आया, वो आया B:2A, वो क्या रेशियो निकल करके आया, B:2A। ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। ये 3 मार्क का क्वेश्चन था, ये आपका जो पोटेंशियल वाला चैप्टर उस पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, मैंने आपको टॉपिक भी बता दिया, ठीक है। अब इसके और पार्ट की तरफ चलते हैं, इसको आप लोग पॉज करके क्या करिएगा, इसको लिख लीजिएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। हम लोग आगे और पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज चार्ज बाय अ बैटरी टू वी वोल्ट्स। एक हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू सी है और हम उसको वी वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर रहे हैं। द बैटरी इज डिसकनेक्टेड एंड द अनचार्ज कैपेसिटर बी ऑफ कैपेसिटेंस 2C इज कनेक्टेड अक्रॉस ए। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो कैपेसिटर जिसको हमने वी वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया था, ए कैपेसिटर को, उसको दूसरे कैपेसिटर बी से जोड़ रहे हैं जिसकी कैपेसिटेंस क्या है, 2C है। तो हमें क्या बताना है, फाइनल चार्ज ऑन ए एंड बी,
ये बताना है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बताना है ए और बी की फाइनली, और ए की पहले कितनी एनर्जी थी वो बताना है। तो इसमें दो पार्ट्स हैं, करते हैं इसको भी। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले कह क्या रहा है हमारा, पहले एक कैपेसिटेंस था ए, जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू सी थी, इसको हमने पहले वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया। ऐसा करने से क्या होगा, जितनी वोल्ट की बैटरी से आप कैपेसिटर को कनेक्ट करोगे, कैपेसिटेंस उतने वोल्ट के साथ क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटेंस उतने वोल्ट के साथ क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, ये बैटरी हटा दी, यहां से ये बैटरी हटा दी, और बैटरी की जगह पर एक दूसरा कैपेसिटेंस ले आए, ठीक है, दूसरा कैपेसिटेंस ले आए भी, और जिसके कैपेसिटेंस की वैल्यू 2C थी। अच्छा, ये कैपेसिटेंस चार्ज नहीं किया था हमने, पहली बात बता रहा हूं, यहां इस पर चार्ज जीरो है, इस पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, क्योंकि ये कैपेसिटेंस को आपने चार्ज नहीं किया था, क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा, आपने सिर्फ ए वाले कैपेसिटेंस को वी वोल्ट से कनेक्ट करके उसको चार्ज किया था, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए वाले पर जो चार्ज आया वो Q1 चार्ज आया था जब आपने बैटरी से जोड़ा। अब होगा क्या, जैसे ही आप इस अनचार्ज कैपेसिटर बी को कनेक्ट करोगे चार्ज कैपेसिटर ए से, तो ए के चार्जेस आने लगेंगे बी पर, और कब तक आएंगे, जब तक दोनों के जो पोटेंशियल है बराबर ना हो जाए, दोनों का पोटेंशियल ए और बी का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, कैपेसिटेंस ए और बी का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो अब यहां पर क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल, आपको कॉमन पोटेंशियल का एक फॉर्मूला याद होगा, आपके चैप्टर में है। देखिए यहां तो मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं, अगर आपको पूरा डिटेल में चैप्टर को पढ़ना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, वहां मैंने हर चैप्टर को बहुत डिटेल में समझाया है। और ये जो हम लोग सेशन चला रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा जो चैप्टर पढ़ चुके हैं और वो अब देखना चाहते हैं कि क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है और क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। पहले ए पर चार्ज कितना था, Q1 चार्ज था, और बी पर चार्ज जीरो था क्योंकि वो अनचार्ज था। ए का कैपेसिटेंस सी था और बी का कैपेसिटेंस 2C था, तो कॉमन पोटेंशियल क्या आ गया, कॉमन पोटेंशियल आ गया Q1 अपॉन 3C आ गया, ये आ गया कॉमन पोटेंशियल। तो ये कॉमन पोटेंशियल, तो ये पोटेंशियल अब ए का भी हो जाएगा और बी का भी हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर ए और बी का पोटेंशियल ये हो गया है, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे बताइए ए और बी पर चार्ज क्या होंगे। फाइनली जब आप ए और बी को आपस में जोड़ दोगे तो ए और बी पर चार्ज कितना बचेगा, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो ए की बात करते हैं, अगर हम ए की बात करें तो ए का कैपेसिटेंस सी है, अब उस पर चार्ज कितना हो गया, उस पर चार्ज बदल गया होगा, ठीक है, तो चार्ज बदल गया, वही तो हमें निकालना है, हमें क्यू ए निकालना है, हमें ए पर चार्ज निकालना है, और इसका कैपेसिटेंस कितना है, सी कैपेसिटेंस है, सॉरी वोल्टेज कितनी है उसकी, वोल्टेज इसकी है Q1 अपॉन 3C है वोल्टेज, ठीक है। तो चार्ज कितना हो जाएगा, तो क्या होगा, C × Q1 अपॉन 3C, तो C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, QA कितना आएगा, Q1 अपॉन 3, यानी पहले जितना चार्ज था A पर, उसका थर्ड टाइम्स। अच्छा, पहले कितना चार्ज था, तो पहले का चार्ज आप ऐसे निकाल सकते हो, C is equals to Q upon V, कॉमन पोटेंशियल को मैं V डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो पहले आपने उसको V वोल्ट की बैटरी से क्या किया था, कनेक्ट किया था, तो कितना चार्ज आएगा उसके ऊपर, तो पहले जो Q1 चार्ज जो A पर आएगा, पहले जब B से वो कनेक्ट नहीं था, बैटरी से कनेक्ट था, तो कितना चार्ज आया था Q1 आपका आया था CV, कितना आया था CV के बराबर आया था आपका Q1। तो यहां Q1 की जगह आप CV को पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा, CV/3, तो ये आएगा आपका चार्ज, ठीक है, ये आपका चार्ज आएगा किस पर, A पर, ठीक है। देखिए मैंने CV के फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सिर्फ कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई है और आपको बताया था कि बैटरी से हमने कितने वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया था, तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो उस फॉर्म में आना चाहिए, जो वैल्यूज हमारे पेपर में दी उस टर्म्स में हमारा आंसर आना चाहिए। तो जो चार्ज आएगा वो CV/3 आएगा, ठीक है। अच्छा, बी पर कितना चार्ज होगा, तो बी का कैपेसिटेंस 2C है, और बी का चार्ज कितना होगा, तो बी का चार्ज कितना होगा, उस पर वोल्टेज कितनी हो जाएगी, V- कॉमन पोटेंशियल के बराबर हो जाएगी। तो यहां पर क्या आएगा, कितना चार्ज आएगा, यहां पर V- की जगह आप क्या रखोगे, Q1/3C रखोगे, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 2C × Q1/3C, और Q1 किसके बराबर था, Q1 आपका है
सीवी के बराबर है, क्यू वन आपका किसके बराबर है, सीवी के बराबर है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, 2/3 CV, 2/3 CV। तो क्यू बी पर बी वाले कैपेसिटेंस पर कितना चार्ज आ जाएगा, 2/3 CV, और ए वाले पर CV/3। अच्छा, आप अगर इनका टोटल करेंगे तो आपको वही इनिशियल चार्ज मिल जाएगा जो पूरा का पूरा ए पर था। ए पर पहले जब हमने ए को बैटरी से कनेक्ट किया था उस पर चार्ज कितना आया था, सीवी आया था। जैसे ही आप ए को ए से बैटरी हटाओगे और बी को जोड़ दोगे तो चार्जेस बढ़ जाएंगे, और बी में चार्जेस बढ़ेंगे ना, लेकिन टोटल चार्ज तो वही रहेंगे। अगर आप इसको ऐड करते हो सीवी बाय थ्री को और 2/3 CV को ऐड करते हो, आपको सीवी ही मिलेगा जो क्या था, जो इनिशियल चार्ज था किस पर, ए पर, ठीक है। तो इस तरह से हमें चार्जेस पता चल गए, किस पर, ए और बी पर कितने चार्ज होगा ये हमें पता चल गया, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि एनर्जी क्या होगी, ए और बी पर फाइनल एनर्जी क्या होगी और बी पर ए पर इनिशियल एनर्जी क्या थी। तो ए की इनिशियल एनर्जी पहले निकालते हैं, इनिशियल एनर्जी ऑफ ए क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, हाफ सीवी स्क्वायर, हाफ सीवी स्क्वायर। तो देखो इनिशियली ए जो था उसका कैपेसिटेंस सी था और उसको वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, तो इनिशियली जो एनर्जी थी ए की वो क्या थी, हाफ सीवी स्क्वायर। फाइनल एनर्जी जो है, जो फाइनल एनर्जी को डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, जो फाइनल एनर्जी होगी वो क्या होगी, हाफ सी वी डैश का स्क्वायर, वी डैश हमारा कॉमन पोटेंशियल है। तो यहां पर वी डैश कितना है हमारा, वी डैश कितना है, वी डैश आपका कितना है, Q1/3C है, Q1/3C, तो Q1/3C का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, इसको ओपन करते हैं। अच्छा, Q1 की जगह क्या रख देंगे, Q1 की जगह CV रख देंगे, Q1 क्या है, CV के बराबर है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां क्या बचा, 1/2 CV² / 9 या फिर 1/18 CV². तो अब देखिए फर्क कितना आ गया, 1/9 times एनर्जी, 1/9 times घट गई, 1/9 times क्या होगा, एनर्जी घट गई, ठीक है। किससे, जब पहले एनर्जी हाफ सीवी स्क्वायर थी, अब 1/18 CV² है, एनर्जी 1/9 times कम हो गई। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि एनर्जी कितना टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर आप देखोगे, तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/9 × 1/2 CV². ये क्या है, ये इनिशियल एनर्जी थी ए की, तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी, हाफ सीवी स्क्वायर, ये इनिशियल एनर्जी थी, और फाइनल एनर्जी क्या है, ये है। तो आप देख सकते हो कि 1/9 times हो गई, इनिशियल एनर्जी के 1/9 times हो गई। हालांकि ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, फिर भी कैसे निकालोगे ये मैंने आपको बता दिया। अब बी पर फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो बी पर एनर्जी के लिए आप क्या करोगे, बी पर एनर्जी के लिए आप वही फॉर्मूला अपनाओगे, हाफ सीवी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर मैं को थोड़ा सा स्पेस चाहिए, चलिए मैं स्पेस बनाता हूँ, कॉमन पोटेंशियल वाला टर्म हटा रहा हूं मैं यहां से, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहां पर बी पर जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, एनर्जी एट बी, तो क्या होगी, हाफ सीवी स्क्वायर, तो उसका कैपेसिटेंस 2C के बराबर है और V कितना, कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे पहले ही, ठीक है। तो क्या बचा, सी वी डैश का स्क्वायर, वी डैश क्या है, वी डैश हमारा जो था, वी डैश हमने यहां पुट किया ना, Q1/3C के बराबर था, Q1/3C के बराबर था, और Q1 क्या है हमारा, Q1 CV है, पुट करते हैं, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, C × V² / 9। तो UB कितना आया, B पर कितनी एनर्जी आई, B पर आई 1/9 CV², 1/9 CV², ठीक है। U पर फाइनल एनर्जी 1/18 CV² और B पर फाइनल एनर्जी 1/9 CV² 1/9 CV², ठीक है। तो इस तरीके से हमारे दोनों पार्ट्स हो गए। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जैसे मैंने आपको सिखाया है। मैं एम करता हूं कि इस वीडियो पर आप लोग मुझे 500 लाइक दोगे, आपकी लाइक मेरे लिए रिवॉर्ड का काम करती है, एक मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और भी ज्यादा अच्छी फ्रूटफुल वीडियोस आपके लिए बनाता हूं। तो एम करते हैं इस वीडियो पर 500 लाइक्स का, और हमारे साथ और क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।